हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन आज हम पढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल्स और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक्स कैसे आते हैं या बैंड्स कैसे आते हैं और क्यों सो फर्स्ट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ यू वी स्पेक्ट्रा यू वी स्पेक्ट्रा को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है इसमें एब्जॉर्बशन एब्जॉर्बेंस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड लैमडा दैट इज वेव लेंथ इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस तो यहाँ देखिए ये लैमडा uh, डाला हुआ है यहाँ पर लैमडा इसमें इस साइड में एक्स एक्सिस में uh, प्लॉट किया हुआ है और एब्जॉर्बेंस जो है वो आ, वाई एक्सिस में एब्जॉर्बेंस प्लॉट किया हुआ है ये देखिए आप ये लैमडा के वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर एन एम या नैनोमीटर यहाँ लिखा हुआ है देखिए उसमें लैमडा जो है यहाँ वेवलेंथ जो है वो प्लॉट किया हुआ है इसी तरह से ये एब्ज़ॉर्बेंस है और आप देख रहे हैं एब्जॉर्बेंस जो है यहाँ ज़ीरो यानी कोई अबसोशल नहीं हो रहा है इस तरह से एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक आ, चल, आ, चलते चले जा रही हैं एब्ज़ॉर्बेंस अगर तो टोटल हो जाता है हंड्रेड परसेंट एब्जॉर्बेंस हो जाता है तो उसका मतलब ट्रांसमिटेंस उस वक्त नहीं होती है तो आप ये देखें कि जो ये एब्जॉर्बेंस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड वेवलेंथ इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस लैमडा मैक्स एंड द एब्जॉर्बटिविटीज ऑफ प्रिंसिपल एब्जॉर्बशन पीक आर यूज टू डिस्क्राइब द यू स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस कंपाउंड्स क्या अर्थ है इसका ये कि जो लैमडा मैक्स होता है लैमडा मैक्स किससे कहते हैं जब ये uh, हम वेवलेंथ uh, के साथ साथ वेवलेंथ चेंज करते जाएं कंपाउंड वही सॉल्यूशन वही उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कवेट में रखा हुआ है सारे कंडीशन सेम हम सिर्फ लैमडा को अगर हम चेंज करते चले जाएं लैमडा चेंज हो रहा है तो कभी एबजॉपन कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पे आ गया फिर उसके बाद और लैमडा हमने इंट्रीज़ किया पता पड़ा वो एब्जॉर्बेंस धीरे धीरे कम हो गई ऑब्सोशन कम हो जाता है फिर किसी और जगह पे किसी और लैमडा पे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है इस तरह से ये ग्राफ बनती है जिस लैमडा पे जिस वेवलैंग पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर् एब्जॉर्बन होती है उस लैमडा को लेमडा मैक्स कहा जाता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है और लैमडा मैक्स जो है वो किसी भी देखिए यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस कंपाउंड्स कंपाउंड्स के लैमडा यूवी स्पेक्ट्रा को लेमडा मैक्स के द्वारा आ, डिस्क्राइब किया जाता है और विभिन्न प्रकार के यौगिकों का डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का लेमडा मैक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है एक अभिलाक्षणिक गुण होता है और लैमडा मैक्स के द्वारा कंपाउंड्स की पहचान की जा सकती है हमने शुरू में पढ़ा था कि यूवी स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को हम उनकी पहचान कर सकते हैं पूरी पूरी पहचान किसी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक से नहीं होती है परंतु यू स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी असंतृप्त यौगिकों की पहचान जिसमें संयुग्मित द्विबंध हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की लंबी श्रृंखला हो उनकी पहचान करने में लैमडा मैक्स वैल्यू का खास महत्व होता है और वो यू स्पेक्ट्रा के द्वारा किया जाता है किस प्रकार से ये हम आगे के आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम प, आ, हम इस बातों को इन बातों को जानेंगे लेकिन आप देख सकते हैं कि मैक्सीम इस तरह से आ रहे हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा हाइट का जो पीक होगा किसी यौगिक के लिए जबकि सारे कंडीशंस फिक्स हैं टेम्परेचर कवेट सॉल्वेंट ये सारे फिक्स हों तो सिर्फ लेमडा को बदलते चले जाते हैं अगर लेमडा को बदल रहे हैं तो ऐसे में जो पीक जहाँ पर आती है मैक्सिमा जहाँ पर आता है उसको लेमडा मैक्स कहा जाता है यानी अवशोषण जहाँ सबसे ज़्यादा है जहाँ जिस पीक का अवशोषण सबसे ज़्यादा है उसकी लेमडा ढूंढी जाती है वो लेमडा मैक्स कहलाती है और लैमडा मैक्स से यौगिक की पहचान होती है जो कि असंतृप्त यौगिक हैं उन्हीं का यूवी स्पेक्ट्रा के द्वारा डबल बॉन्डेड कंपाउंड का ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड का संयुग्मित में द्विबंध कॉन्जुगेटर सिस्टम के की पहचान यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा की जाती है <coughs> देखिए एक और यहाँ पर यह ये देखिए ये वेवलेंथ लिखा हुआ है जो नैनोमीटर में है और यहाँ जो है एबसेलन जो है एक्सटेंक्शन कोफिशेंट मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर एब्जॉपशन है ये और यहाँ देखें जो लेमडा मैक्स क्लियरली दिखाया हुआ है कि मैक्सिमम मैम लेमडा जहाँ मैक्सिमम अवशोषण होता है वो जो लैमडा है वो लेमडा मैक्स कहलाता है यहाँ पर वो लैमडा मैक्स की वैल्यू है फाइव नैनोमीटर आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखिए एक और पीक है यहाँ पर भी इस तरह से लेमडा मैक्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है ये सिक्स हंड्रेड समथिंग थ्री थर्टी फाइव है यहाँ फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू मैक्स है ये दोनों अलग अलग कंडीशंस में उसी यौगिक के अगर हमने उसी यौगिक के अलग अलग कंडीशंस में हमने एब्जॉपशन को प्लॉट uh, किया है ये एबजॉब्शन है ये वेव है तो हमें अलग अलग जो है लेमडा मैक्स की वैल्यूज़ मिल सकती हैं ये भी एक दूसरा एग्जांपल uh, है जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ वेव लेंथ है ये एबजॉर्ब एब्जॉर्बेंस है और ये सारे वैल्यूज़ लैम्डा मैक्स के हैं जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ अबसोशन होता है उससे संबंधित जो लैमडा है वो लेमडा मैक्स कहलाता है आइए देखते हैं एबजॉर्प्शन बैंड्स के बारे में कुछ बातें देखिए हमने अभी देखा कि यहाँ पर एक बैंड ये चौड़ाई से एब्जॉर्बशन आ रहा है कोई सीधी सिग्नल इस तरह से नहीं आ रही है कि भाई ये वेवलेंथ है ये एब्जॉर्प्शन है, है और एक सीधी सी संकेत आए तो यहाँ पर लाइट एबजॉर्ब हुई नहीं यूवी में किस तरह का संकेत मिला कि अगर ये एब्जॉर्बेंस है और ये वेवलेंथ है तो ये एब्जॉर्बेंस और यहाँ वेवलेंथ है तो यह तो ऐसे तो आ रही है कि इस वेवलेंथ पे थोड़ी सी एब्जॉर्ब हुई फिर इस वेवलेंथ पे थोड़ी और एबजॉर्ब हुई यहाँ पर थोड़ी और एब्जॉर्ब हुई तो यानी एब्जॉर्ब हो रही है और धीरे धीरे एक बड़ा सा पीक आ रहा है और यूँ इस तरह से यानी तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो हम अगर इसका स्पेक्ट्रम देखें तो एक बड़े से रेंज में हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लाइट जो है एबजॉर्ब हो रही है ये है इसका एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम लेकिन अगर कुछ किसी खा कोई खास पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब हो ऐसा नहीं है हमें लेमडा मैक्स मिल रहा है लेमडा मैक्स मिल रहा है लेकिन कोई एक फिक्स लेमडा की वैल्यू नहीं मिल रही है जहाँ पर कि अवशोषण हो और अगर फिक्स लेमडा की वैल्यू होती तो वहाँ सिर्फ एक सीधी सी रेखा लाइन आती कि भाई यहाँ एप्स हो रहा है तो ऐसा क्यों ये देखिए कि एब्जॉर्पन बैंड्स इनके ऐसे जो स्पेक्ट्रम है उसमें अगर हम चमकीले बैकग्राउंड में एक आ, काला सा बैंड हमको मिल जाता है तो हम कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन बैंड है यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट एब्जॉर्ब हुई है फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट एब्जॉर्ब हुई है इस तरह से काले काले बैंड्स आ जाएंगे लाइट के बैकग्राउंड में तो उन्हें इनको कहते हैं एबजॉर्प्शन बैंड्स तो यू स्पेक्ट्रम एराइजेज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें मालूम है कि जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के लोअर लेवल से अपर लेवल में जाने पर जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसके द्वारा आता है ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल सब लेवल्स प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसमें आ, जो है वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स के अंदर होते हैं और व्हेन अ मॉलिक्यूल गोस फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अनादर हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक लेवल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस जब कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जाता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल होते हैं और उन वाइब्रेशनल लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं तो उसका मतलब है कि जो कोई भी एक मॉलिक्यूल होगा अगर ये उसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है या फिर ये उसका इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है तो इसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट होंगे तो मॉलिक्यूल यहाँ भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे, पे भी हो सकता है ये E0 पे ग्राउंड स्टेट की बात है और ये अगर E1 है तो वो मॉलिक्यूल जो है यहाँ से भी यहाँ जाएगा तो ई ज़ीरो टू ई वन होगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया इस वाइब्रेशनल स्टेट से यहाँ पर गया तो भी ये माना जाएगा कि ई ज़ीरो से ई वन में गया और यहाँ से जाए तो भी माना जाएगा कि ई जीरो से ई वन में गया तो लेकिन आप देख सकते हैं इन तीनों के एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि इसमें इनके इलेक्ट्रॉनिक लेवल का वाइब्रेशनल लेवल अलग अलग है ई ज़ीरो वी जीरो ये रहा ये वी वन ये वी टू तो अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स पे से जो कि सारे के सारे ई ज़ीरो का हिस्सा है ग्राउंड स्टेट का हिस्सा है उसमें से हम ई वन में गए ई वन में भी फिर वही स्टोरी है ई वन uh, जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये होगा V0 उससे ऊपर होगा V1 फिर उसके ऊपर होगा V2 तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल गया है वो E0 uh, V0 में भी जा सकता है uh, E0 E0 से E uh, E1 V0 में भी जा सकता है E0 V0 से वो E1 V2 में भी जा सकता है यहाँ से वो तीसरे स्टेट में भी जा सकता है फिर फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट से ज़ीरो पे जा सकता है फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट से सेकंड में जा सकता है तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे एनर्जी का एक बैंड uh, सा एक रेंज सा हो गया कि जहाँ से जहाँ जा सकता है हमने सिर्फ अभी यहाँ वाइब्रेशनल लेवल्स की बात की है इन वाइब्रेशनल लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल्स भी होते हैं तो uh, जो मॉलिक्यूल जो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाएगा वो कई uh, तरह के कॉम्बिनेशन से ई ज़ीरो से ई वन में जा सकता है क्योंकि हर एक में कई तरह के वाइब्रेशनल और उन uh, वाइब्रेशन के बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स हो सकते हैं और ई e जीरो में रहने वाला जो मॉलिक्यूल है वो इनमें से किसी भी एक स्टेट में हो सकता है और ई e वन तक पहुंचने के लिए वो तरह तरह के वाइब्रेशनल स्टेट या उनके फिर रोटेशनल स्टेट कहीं पर भी जाके पहुँच सकता है तो उसका मतलब है कि यहाँ बहुत वेराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशन है जहाँ से भी ये जो है स्टेट uh, uh, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मॉलिक्यूल जा सकता है और हर तरह के ट्रांजिशन के लिए आप देख सकते हैं कि लेमडा का मान थोड़ा 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 डिफरेंट होगा और इसी वजह से है कि एक निश्चित एक निश्चित कोई निश्चित कोई लाइन कोई सिग्नल नहीं आ सकती है एब्जॉर्बेंस के टाइम पे लैमडा के लिए और लैमडा के एक एक रेंज के अंदर एब्जॉर्बन होती है जहां पर जो लैमडा मैक्स उस जगह के लिए होती है जो कि सबसे ज्यादा संभावित जो, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल सबसे ज्यादा पॉसिबल जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए लैमडा मैक्स की वैल्यू आती है तो आइए हम पढ़ते हैं थोड़ी इसको स्टेटमेंट के रूप में ईच इलेक्ट्रॉनिक लेवल कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल सब लेवल्स वेन वन मॉलिक्यूल गोज फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अनादर हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक लेवल एक कोई भी मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाती है जाता है वो मॉलिक्यूल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस कई प्रकार के साथ होते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ ड्यू टू दिस इसी वजह से इस ही वजह से आ, शार्प पीक्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन यू स्पेक्ट्रा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट है के नज़रिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शार्प पीक्स नहीं ऑब्जर्व किया जाता क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में कई वाइब्रेशनल और कई रोटेशनल लेवल्स होते हैं यूवी स्पेक्ट्रा शोज बैंड ब्रॉड पीक्स और बैंड्स या तो चौड़े पीक शो करता है जैसे कि ऐसे या फिर आप स्पेक्ट्रा में कह सकते हैं कि अगर स्पेक्ट्रा है तो उसमें बैंड यूज़ करता है बैंड दिखाता है ये इस प्रकार के न कि न कि शार्प लाइंस, लाइंस नहीं दिखाता बैंड्स दिखाता है यूवी स्पेक्ट्रा क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स भी इन्वॉल्व होते हैं प्रयुक्त होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ तो ये देखिए इन सब बातों को यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है ये देखिए ये अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है जो कि ग्राउंड स्टेट है और ये मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट है तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो ग्राउंड स्टेट में V0, V1, V2, V3 है और उनके अंदर छोटे छोटे रोटेशनल लेवल्स हैं और इसी तरह से अपर एनर्जी स्टेट में भी जो है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसमें भी देखिए V0, V1, V2, V3 है वाइब्रेशनल लेवल्स हैं और हर एक में रोटेशनल लेवल्स हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ये ज़रूरी कहीं से भी इन इतने सारे कॉम्बिनेशन में इतने सारे रोटेशंस में किसी एक रोटेशन के साथ किसी एक वाइब्रेशन के साथ किसी भी जगह ऊपर स्टेज में, में पहुंच सकता है तो जाहिर सी बात है कि हर ट्रांजिशन के लिए ज़रा ज़रा सा अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की ज़रा ज़रा सा अलग यूवी विजिबल वेवलेंथ के एनर्जी की ज़रूरत होती है और यही वजह है कि पी एक स्ट्रेट लाइन सिग्नल नहीं मिलता एक ब्रॉड पीक मिलता है और यही वजह है कि एब्जॉपन स्पेक्ट्रम में हमें बैंड मिलता है और लाइन नहीं मिलता मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अब क्लियर uh, हो गई होगी और ये डायग्राम आपको ज़्यादा बेहतर मेरी बात को समझा रहा होगा नेक्स्ट uh, like, uh, देखते हैं सिलेक्शन रूल्स के बारे में यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल्स आर एसोसिएटेड विथ रिलेशनशिप बिटवीन द जियोमेट्रीज ऑफ द लोअर एंड द हायर एनर्जी एमोज एंड सिमेट्री ऑफ द तो ये सिलेक्शन रूल जो हैं कि ये नियम है कुछ ट्रांजिशन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी कुछ सिलेक्शन रूल कुछ नियम है कि ये जो सिलेक्टेड ट्रांजिशंस हैं चयनित ट्रांजिशन हैं चैन, चैन के जो नियम हैं उनको ही फॉलो करके आ, आ, एनर्जी का एब्जॉर्बशन होगा और कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगा तो उनको सिलेक्शन रूल कहते हैं और वो जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो जियोमेट्री और सिमेट्री मॉलिक्यूल के जो है अपर स्टेट और लोअर स्टेट में उनके एनर्जी उनके एमोज की जो ज्योमेट्री है मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री है या उसकी सम्मितता जो है अपर और लोअर एनर्जी लेवल में उससे ताल्लुक़ रखती है ये सिलेक्शन रूल्स तो आ, ये देखिए स्पिन सिलेक्शन रूल जो यू स्पेक्ट्रोस्कोपी का है वो क्या है वो है स्पिन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए दैट इज़ डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो अगर ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं स्पिन पेयर्ड हैं तो सिंगलेट जो स्टेट है उसमें कि ग्राउंड में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है अपर स्टेट में उसका जस्ट रिवर्स होगा यानी जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाएगा तो उसके स्पिन में कोई चेंज नहीं आएगा आ, तो इसीलिए जो लोअर स्टेट और अपर स्टेट है उनके वो जो है वो स्पिन पीयड हैं और इस अवस्था को सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं वो जो कि अलाउड है लेकिन अगर ऊपर वाला जो स्पिन है वो रिवर्स हो जाता है थोड़ी टाइम के बाद तो वो ज़्यादा स्थाई स्टेट को अचीव कर लेता है प्राप्त कर लेता है और जिस वजह से दोनों के जो एनर्जी दोनों के जो स्पिन है अगर वो पैरेलल हो जाते हैं इस स्टेट को जो कहते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और यूवी में ऐसा ट्रांजिशन फॉरबिडन या अलाउड नहीं है या नॉट अलाउड है या फॉरबिडन है ये है पहला रूल दूसरा रूल है ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल में ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट सिमेट्री डोंट अकर अगर दो जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सिमेट्री एक दूसरे से एकदम भिन्न है जैसे नॉन बॉन्डेड बॉन्डेड और पाई एस्ट्रेस एंटी सॉरी नॉन बॉन्डेड एंड सिग्मा एस्ट्रेस दैट इज अबंधित इलेक्ट्रॉन युग नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल एंड एंटी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन दोनों के बीच का सिमेट्री क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट है इसलिए इनके बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा ये ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल कहता है आइए देखते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन रूल्स कौन से हैं नेक्स्ट सिलेक्शन रूल है कि ये सिंपल है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होना चाहिए उसका मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन जो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करना है उस लाइट उसका जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट और अपर स्टेट एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी को मैच करनी चाहिए ये बड़ा सिंपल सा रूल है यू स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये रूल लागू होता है नाइसोट्रॉपिकोट्रॉपिक चार्ज डिसप्लेसमेंट रूल ये डिसप्लेसमें चार्ज डिस्प्लेसमेंट रूल जो है वो ये कहता है कि डेल्टा न्यू दैट मीन जो डायपोल मोमेंट है किसी मॉलिक्यूल का वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान उसमें कोई अंतर होना चाहिए कोई डायपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए यानी डायपोल मोमेंट में अगर चेंज जीरो है तो वो ट्रांजिशन नहीं होगा इससे ये भी साबित होता है कि जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाते हैं या कोई ट्रांजिशन नजर आते हैं या मैक्स या अवशोषण होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो उस ट्रांजिशन में के दौरान डायपोल मोमेंट में चेंज होता है परिवर्तन आता है तो ये परिवर्तन ज़रूरी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के में सिग्नल Uh, प्राप्त होने के लिए या एब्सॉपशन नज़र आने के लिए तो देर शुड बी चेंज इन डाइपोल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यू वी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो दूसरा चीज़ है कि uh, जो वाइब्रेशनल uh, चेंजेस हैं वाइब्रेशनल uh, और रोटेशनल जो क्वांटम नंबर्स हैं उसके अंदर भी चेंज इस प्रकार से हैं जो कि यहाँ पर दिखाए हुए हैं Uh, देखिए इन सब uh, uh, जो रूल्स हैं वो एक तरफ हैं लेकिन कई बार जो ये रूल्स uh, हैं इनको ओवर लुक करके uh, भी कुछ ट्रांजेक्शन्स आते हैं और जो uh, जो ट्रांजेक्शन्स इन रूल्स को फॉलो करते हैं उनको अलाउड ट्रांजेक्शन कहा जाता है और जो नहीं फॉलो करते उनको फॉरबिडन ट्रांजेक्शन कहा जाता है लेकिन वो होते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ एमोज द सिलेक्शन रूल्स हेल्प अस टू प्रिडिक्ट विच ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस तो हर मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है इसीलिए जो ये सिलेक्शन रूल्स हैं उनकी उपयोगिता क्या है इन सिलेक्शन रूल्स के द्वारा हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के ट्रांजेक्शन होंगे और कौन से ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे और ये उसी काम आते हैं सिलेक्शन रूल्स में बी रिलैक्सड मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ कई बार सिलेक्शन uh, रूल को फॉलो uh, नहीं करके भी कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो सिलेक्शन uh, रूल्स जो हैं उनमें कुछ ढिलाई आ सकती है उसका कारण ये है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इफेक्ट स्पिन और ऑर्बिट के बीच में अगर कपलिंग युगमन होता है तो उससे होता होता है कुछ रूल में चेंज या रिलैक्सेशन और कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस विद वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हैं उनके बीच में अगर कपलिंग या युग्मन हो जाए तो भी जो है सिलेक्शन रूल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं आइए देखते हैं कुछ और बातें इन ट्रांजिशंस के लिए अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन इन सो आफ्टर एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन गो टू गो फ्रॉम एच ओ एम ओ टू एल यू एम ओ तो इलेक्ट्रॉन्स एच ओ एम ओ यानि हाइएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल सबसे ऊँचा ज़्यादा एनर्जी वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच और एल यू एम ओ लोस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल सबसे कम आ, और ऊर्जा वाले न, खाली मॉलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है आ, उस वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्बन के बाद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है मोस्टली द एनर्जी डिफरेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल uh, से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल uh, में ऊर्जा uh, को एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करने, uh, yeah, करने के बाद जो या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रम आता है तो uh, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी होती है वो उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स की हमेशा नहीं मैक्सिमम जो है वो ये रेंज है 125 uh, किलो जूल पर मोल से लेकर 650 किलो जूल पर मोल का रेंज ऑल थियोरेटिकली पॉसिबल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली थियोरिटिकली हम जो सोचते हैं कि ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे वो कई बार प्रैक्टिकली संभव नहीं होते देयर आर सर्टन सिलेक्शन रूल्स वि आर टू बी फॉलोड बाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कुछ सिलेक्शन रूल हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो सके जिनका हमने अभी सिलेक्शन रूल्स को पढ़ाए यू के लिए यू वी सिलेक्शन रूल्स को हमने पढ़ा है दो फॉलो सिलेक्शन रूल्स आर कॉल्ड एज अलाउड ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन जो uh, फ़िलहाल हम यू की बात कर रहे हैं यू वी ट्रांजेक्शन जो सिलेक्शन रूल को ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं दोज आर कॉल्ड एज अलाउड ट्रांजेक्शन और जो इन ट्रांजेक्शन को नहीं फॉलो करते नहीं मानते उनको कहते हैं हम फॉरपिटन ट्रांजेक्शन्स तो uh, इन दोनों में अंतर क्या है अगर अलाउड ट्रांजेक्शन भी हो रहा है और फॉरबिडन ट्रांजेक्शन भी हो रहा है तो उसमें अंतर क्या है उसमें अंतर ये है कि जो सॉरी uh, जो अलाउड ट्रांजेक्शन्स हैं जो अलाउड ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी तीव्रता ज़्यादा होती है जो फॉरबिडन ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी तीव्रता होती है कम तो uh, जो अलाउड ट्रांजेक्शन्स हैं वो यूजुअली uh, जो है उनका जो एब्जॉपशन है वो एक्सटेंशन कोफिशेंट है वो या एब्साइलेंट जो है वो थाउजेंड के आसपास होता है और फॉर अलाउड ट्रांजिशन का सॉरी ये फॉरबिडन ट्रांजिशन का और जो अलाउड ट्रांजिशन है उनका टेन थाउजेंड के आसपास जो एब्साइलेंट की वैल्यू एक्सटेंशन कोफिशेंट की वैल्यू होती है तो लगभग दस गुना आ, जो है आप ये कह सकते हैं कि दस गुना अलाउड ट्रांजिशन जो हैं वो तीव्र होते हैं उसकी तुलना में फॉरबिडन ट्रांजेक्शन जो हैं कम तीव्र होते हैं यानी अगर आप इस तरह से ग्राफ में देखें तो अगर ये अलाउड ट्रांजिशन की पीक होगी या ऐसे पीक होगी अलाउड ट्रांजिशन की तो जो फॉरबिडन ट्रांजिशन की पीक होगी वो यूँ होगी तो इनकी तीव्रता में अंतर होगा अलाउड और फॉर्बिडन में और इसी से उसकी पहचान होती है कि कौन सा अलाउड ट्रांजिशन है और कौन सा फॉरबिडन mm, ट्रांजेक्शन uh, है जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं मुझे उम्मीद है आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने वो आपको समझ में आई होगी और हेल्पफुल uh, भी रहेगी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए फिर भी इसके बावजूद आपको कोई समस्या आती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थैंक यू फॉर बींग विद मी एंड